I'm sorry. It's okay. अवंती नागराल नाम तो सुन ही लिया होगा. अगर तुम YouTube पे एक्टिव हो तो डेफिनेटली सुन लिया होगा. मैंने भी उसके साथ बहुत सारे वीडियोस कर रखे हैं एंड शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. बट अभी अपेरेंटली जो मार्केट में चल रहा है दैट इज सम अनदर लेवल थिंग. शी रिसेंटली वेंट थ्रू वन ऑफ द आई विल से सैडेस्ट फेज ऑफ एनीवनस लाइफ दैट इज ब्रेकअप. उसने एक वीडियो शूट किया इसी चीज़ के बारे में कि मेरा ब्रेकअप हो गया है एंड उसको उसने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया. उस वीडियो की मैं बात करूँ तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत रो रही थी. नाउ द थिंग इज कि अपनी इंडियन ऑडियंस को तो तुम जानते हो कि उनको बहुत ज़्यादा मसाला चाहिए होता है एंड उनको बस एक मौका चाहिए होता है कि कुछ भी ऐसा कर दे जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए एंड मजा आ जाए ऑडियंस को. बस मजा होता है उनको कमेंट में करना. तो अवंती के केस में भी ऐसा हुआ. उसने ये वीडियो पोस्ट करा एंड उसके बाद लोगों के बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट्स आने लगे कि यार क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो. ऑब्वियसली बहुत सारी उसकी फैंस बहुत सपोर्टिव भी थी, विच इज अ ग्रेट थिंग. यूट्यूब है जहां पॉजिटिविटी है वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है. बहुत ज्यादा ऐसे ऑफेंसिव, बहुत रूड, बहुत मीन कमेंट्स आने लगे. फिर एक समय रायना का एक कमेंट था जिसमें उसने लिखा कि आई डोंट रिमेंबर द कमेंट एक्चुअली, बट समथिंग वॉज लाइक कि ब्रेकअप तो होता रहेगा बट इस वीडियो से पैसे तो आ जाएंगे, समथिंग अराउंड दीज लाइन्स, ऐसा कुछ लिखा था. उसके बाद लक्ष्य चौधरी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया एंड इतना कुछ हुआ. अब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, बिकॉज हमने रिसेंटली भी बहुत सारे वीडियोज कर रखे हैं, हमने एक साथ में म्यूजिक वीडियो कर रखा है. तो नंबर वन, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग आई विल स्टार्ट विद कि मैं अवंती को जानता कैसे हूँ. तो व्हेन आई केम टू मुंबई आई हैड टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग. द सॉन्ग इज कॉल्ड तू काफी है एंड मैं मुंबई में बहुत नया था. ये बात है मार्च का पिछले साल का. आई डिडंट नो एनी ऑफ द क्रिएटर्स, मतलब ऐसे सिंगिंग वाले में मैंने बहुत लोगों को नहीं जानता था. तो मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स को, फीमेल सिंगर्स को पूछा कि वुड यू लाइक टू डू अ सॉन्ग विद मी एंड एवरीवन डिक्लाइन. तो मैंने फिर रणवीर से पूछा कि रणवीर डू यू नो एनीवन हु आई कैन कोलैब विद फॉर दिस सॉन्ग, बिकॉज दिस सॉन्ग रियली मींस अ लॉट टू मी एंड आई वांट समवन जो कि सिर्फ अच्छा गाए नहीं बट जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर भी हो. तो रणवीर ने बोला कि अवंती से एक बारी बात कर, शी इज अ ग्रेट सिंगर प्लस शी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑल दिस थिंग. चल ठीक है यार, बात करके देखते हैं. तो मैंने अवंती से बात करा एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. शी इज अ ग्रेट सिंगर प्लस शी रिप्रेजेंट्स ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर एंड देन वी सेड कि चलो ठीक है, इस प्रोजेक्ट को साथ में करते हैं. अब इस दौरान वन थिंग दैट आई रियलाइज, शी इज समवन हु बिलीव्स अ लॉट इन कोलैबोरेशंस. एंड अगर सच में तुम चेक करोगे ना तो उसके सारे रील्स जो हैं उसके इंस्टाग्राम पे वो सारे कोलैबोरेटिव रील्स हैं. द सेकंड थिंग दैट आई लाइक अबाउट हर इज द फैक्ट शी इज अ प्रॉपर बिजनेस वुमन. आज की डेट में अगर आप अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर हो एंड आप स्मार्ट इंटेलिजेंट हो तो आप एक बिजनेस पर्सन भी हो गए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें बहुत फ्रेजाइल होती है. नाउ कंक्लूजन ये है कि मैंने उसकी बहुत सारी तारीफ कर दी. मैंने बोला था मैं तारीफ करने के लिए बैठा नहीं है. अब तुम बोलो कि यार ये तो तारीफ करने के लिए बैठा है, कुछ बुराई बता, क्योंकि मैं तो बुराई सुनने के लिए आया था. आई एम श्योर कि इसमें भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. मेरे में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, तुम्हारे में भी बहुत सारी बुराई है. दुनिया में ना बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी भरी पड़ी है. अभी अवंती के केस में देख लो, क्या मतलब इतना सारा हेट कमेंट, बट उस पर फोकस करने का कोई मतलब ही नहीं है. Just look at the positive side and have fun, guys. अगर मैं इस particular situation की बात करूँ कि उसने अपने breakup के बारे में online ऐसे बात किया, उसको करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है, I won't say कि 100% सही किया, ठीक है, but I don't think कि उसने गलत भी किया. I'll tell you why. Number one, क्योंकि her boyfriend स्टीफन वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ व्लॉग्स. अगर ऐसा होता है ना कि मैं हूँ, मेरा कल को ब्रेकअप हो जाता है, मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जिंदगी में बात ही नहीं किया है, अचानक से आके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे मैं क्या करूँ, मैं रो रहा हूँ, तो समझ में आता कि हाँ यार ये क्या कर रहा है यार, तुमने कभी बताया नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, गर्लफ्रेंड के ऊपर वीडियो बना रहे हो. बट वो इंसान जिसने इतने सालों में इतने सारे वीडियोज बनाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंड अब उसका ब्रेकअप हो गया है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को पता चलना चाहिए यार, बिकॉज That's how it is. That's how the relation is. अभी recently मैं अवंती से मिला था and we vlogged. It was a very fun day because she had come to my studio, Big Brain वाला studio for a shoot for Big Brain को, in which she shared her first sex experience, which is like a big thing to talk about. It's very tough to talk about your personal stuff on camera. मैं तो यार definitely नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें. अब इससे पहले कि हम vlog में आगे बढ़े and तुमको मैं ये दिखाऊँ कि उस दिन जब अवंती हमारे इस office में आई थी तो हमने क्या fun किया था, let me tell you that. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तुम प्रैक्टिस करो अगर तुम IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि मेंस बहुत नज़दीक है और ऐसे में मॉक टेस्ट वगैरह देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तुम मगन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो वहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. मेरे खुद के स्पेशल क्लासेस होते हैं, तुमको PDF लेक्चर नोट्स तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद तुम्हारा डिटेल एनालिसिस होता है तुम्हारे हर टेस्ट का. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड इन सब के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए तुमको अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. वैसे तो नहीं भी पढ़ सकता क्योंकि 90% चीज़ें अकेडमी पे फ्री में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है. अब बाकी जो चीज़ें उनको अवेल करने के लिए तुमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है. 19 मई तक अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे तुमको 25% तक ऑफ मिलेगा, उसके बाद प्राइस हाई होने वाला उनके सब्सक्रिप्शन पे. तो ये राइट टाइम, अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे तो अभी खरीद लो, अदरवाइज विल बी टू लेट. अब इस ऑफर को अवेल करने के लिए तुमको मेरा कोड NOVAFAM यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कोड को यूज करने के बाद तुमको वो ऑफर मिलने वाला है. तो बस ठीक है यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, सब्सक्राइब टू अकेडमी एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल क्लास में जो कि मैं लेने वाला हूं थर्सडे को. मार्क योर डेट्स, थर्सडे को.
सो वी आर गोइंग टू द बिग ब्रेन ऑफिस. इट्स वेरी हॉट, लाइक वे टू हॉट. आज हम शूट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिग ब्रेन वीडियो, प्लस एक बहुत ही स्पेशल वीडियो फॉर माय ब्लॉग चैनल. ऑब्वियसली द पर्सन इज अवंती, दैट्स विजिबल ऑन द थंबनेल. प्लान दैट वी हैव राइट नाउ इज समथिंग दैट आई वोंट शेयर राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर द आई थिंक आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा, बट इट्स ओके. But let's just go right now. Okay, yeah. For Big Brain. And what was the topic? I mean, I said a lot of things, but it was essentially about sex education and my first time and why I think it's important to talk about it. Yeah, and I have seen one thing that you are very much vocal about this, and I really appreciate that. Because everybody deals with it in some way. It's the reason that we're alive. Yeah, right? Yeah, for sure. For sure. So you need to check out that video when it's there on Big Brain ka channel. Hanji. And you also need to check out this video that's gonna be up on Avanti's channel. Ab tak aa chuki hogi video. The video is. It's a fight between Nova and Harnoor regarding about engineering in the US versus India. Obviously IIT is better, that you know. ऐसे क्या बंदा, मैं IIT गया. That's my. अच्छा, but you tell me, what is the first thing that comes to your mind when I say the word IITian? जल्दी. Oh, well, I mean, I'm just trying to figure out how to explain it. That you have slogged away for 2 years of your life. Okay. And in return, what do you get? A piece of paper called a degree. Oh. यहाँ था जब मैंने तुझे देखा, तू लगी मुझे काफी कूल. हो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जैसे कोई कनेक्शन, तू एटम और मैं मॉलिक्यूल. मैंने बोला फिर इसको चलो यहाँ से खिसको लेकर अपना गिटार. थोड़ा मैं घबराया, अभी भी घबराया, लगा देगी तू थप्पड़ चार. So this is why we're doing a shooting story for Prabhu Maru over here, who is holding my iPhone. This is my accent. Let's start. Metaverse में क्रिकेट खेल सकते हो. Metaverse में आप क्रिकेट खेल सकते हो. तो मैं ये बोल रही थी, आपके व्लॉग्स का वैसा हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट का व्लॉग है तो 6:50 तक भी ऐसा लगेगा ना कि अब होने वाली है स्टोरी खत्म, लेकिन फिर ट्विस्ट आता है एंड देन यू लीव अस वहां पर ऐसे. ये सही नहीं चल रहा है. क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हैं. पार्ट 2 में मजा नहीं आता है. पार्ट 2 में मजा आता है, लेकिन वो पार्ट 1 से लेकर 2 तक का जो ये डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ऐसा इचिंग होता है कि नोवा ने क्यों किया है. Yeah, we just got done with the shoot. ढेर सारे कपड़े जनरली मैं लेके आता हूँ जब शूट करता हूँ, तो yeah, these are my clothes. I'll just wrap them up. क्योंकि अभी मैं जाना शॉपिंग के लिए, एंड शॉपिंग के लिए इसलिए जाना है क्योंकि कल दीदी की शादी है. नहीं, कल नहीं, परसों दीदी की शादी है. कल एंगेजमेंट है, तो अभी हम बस शॉपिंग करने जाएंगे. मुझे सूट लेना है. दिक्कत बस ये है कि एक दिन में सूट मिलना इज वेरी टफ, क्योंकि फिटिंग विटिंग कराना होता है, एंड मेरी बॉडी कितनी अच्छी है तुम्हें पता ही है कि बिना फिटिंग कराए हो जाएगा मुझे, तो इसीलिए यार दिक्कत है. बट देखते हैं, कुछ तो करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन आल्सो. गाइस, अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, एंड आई एम हैविंग माई डिनर राइट नाउ, दैट इज पाव भाजी. यहाँ पे मैं भाजी गर्म कर रहा हूँ. द सैड थिंग इज कि मेरी फ्लाइट है अभी 6:05 पे बैंगलोर के लिए, एंड अगर मैं अभी सोता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पकड़ नहीं पाऊंगा फ्लाइट, बिकॉज मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा 4:30 के आसपास. मुझे अभी पैकिंग करनी है, तो मैंने क्या कर रखा है ना कि मैंने खरीदा है अपने लिए ये रेड बुल, ताकि मैं कहाँ गया ताकि मैं इसको पी के कहीं सो ना, एंड दैट्स व्हाई मैं फ्लाइट को टाइम पे पकड़ पाऊंगा. दीवारों पे चढ़ा हूँ मैं, दीवारों पे जो देखूँ ये नजारे तो गुनगुनाता है दिल मेरा. डम डम डरम डम 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 डरम 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 डम डरम 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 डम 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 डरम डम 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 डरम 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 डम डरम 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 डम डम. गाइस, पारित तो शानदार बने हैं, एंड ये बंदा मुझे हर जगह पता नहीं क्यों फॉलो कर रहा है. मैं तो भाई मनाली में बहुत एविडेंटली बोल दिया था भाई, मुझे प्यार हो गया भाई नोवा से, है ना, इसलिए मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है. मैं बैंगलोर जा रहा हूँ तो बैंगलोर जा रहा है. अभी 26 को मुझे दिल्ली जाना है, तो कहता मैं भी दिल्ली आऊंगा. चाह जो रहा हूँ वो तुम्हें पता है, किसको भी पता है क्या चाह रहे हो. आज जल्दी हम पहुंचने वाले बैंगलोर. इज जस्ट 1 आवर अवे यहां से. Guys, we just landed here in Bangalore right now. हम कहाँ हैं? Bangalore? हम Bangalore में हैं भाई. भाई मैं गलत आ गया. मनाली शूट किया था हमने साथ में. मनाली क्यों गए थे, क्या करने गए थे, तुम्हें पता ही नहीं है. वो तो बात की बात है. तो अब तो बहुत ही बात की बात हो गई. बहुत चीजें चेंज हो गई है जिंदगी में, तो लग गया. पता चलेगा, तुम टेंशन ना लो. देखो, मैं ये बंदा अपडेट नहीं दे, मैं तो तुम्हें दे दूंगा, तुम लोग टेंशन ना. तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. सी यू सून. पारितोष आनंद, कहाँ मिलेंगे हम? भाई ये बंदा ऑफिशियली, अब मैं इसका व्लॉग हाईजैक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी हाईजैक कर रहा है. ये बंदा जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे को फॉलो कर रहा है. उल्टा उल्टी बात है. बिल्कुल नहीं, मैं आज सुबह बैठ के आराम से अपनी ऑरेंज जूस एंजॉय कर रहा हूँ उधर एयरपोर्ट पे.
इसका मेरे को कॉल आता है कि मैं भी एयरपोर्ट में हूँ. मैंने कहा वाह कहाँ जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहा हूँ, कौन सी फ्लाइट से जा रहा है, इंडिगो से जा रहा हूँ, कब जा रहे हैं, 6 बजे जा रहा हूँ. कौन सी सीट है तुम्हारे बगल में? सही है भाई. और हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं दिल्ली में 26 तारीख को. लेट्स गो. लेट्स गो. चलो गाइस सी यू. डम 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 डम